तो दोस्तों जानते ही होंगे कि भाई जब भी दोनों ब्रांड आपस में लड़ते हैं ना, तब भाई मजा जो है ना तो वो हम सभी को मिल के आता है। मैं ऐसा क्यों बोला हूं? क्योंकि भाई अभी कुछ ही टाइम पहले ना BSA कंपनी का एक न्यू स्क्रैम्बलर टाइप का जो बाइक है तो वो अनवील हुआ है इक्मा 2024 में, जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने है। और इसका जो नाम अभी बताया जा रहा ना तो वो है BSA B65 स्क्रैम्बलर। बाकी वीडियो को अगर पूरा देखते रहना क्योंकि इसका जो तगड़ा वाला एक राइवल है ना तो वो अभी कुछ ही टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है रॉयल एनफील्ड वालों से। तो मैं हूं अंकन कोनकर, आप देख रहे हो कर्म करंगन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो बात कुछ ऐसे है कि भाई रॉयल एनफील्ड और महिंद्रा कंपनी का जो है ना तो वो एक कड़ा कंपटीशन जो है तो वो चल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले ही ना भाई रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से इंटरसेप्टर VR650 करके एक न्यू 650cc वाला स्क्रैम्बलर टाइप का बाइक जो है ना तो वो लॉन्च हुआ है। और भाई अभी वो चीज देखने के बाद कहीं ना कहीं महिंद्रा कंपनी जो है ना तो उसके भी भाई जो चिंगरी है ना तो वो जला। अब भाई किस तरफ वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई बात कुछ ऐसे कि BSA कंपनी की तरफ से ना उनका एक न्यू बाइक जो है तो वो अनवील हुआ है जो कि स्क्रैम्बलर टाइप का है, देख ही सकते होंगे आपके सामने ही है। और इसका जो नाम बोला जा रहा ना तो वो है BSA B65 स्क्रैम्बलर। बाकी देख ही सकते होंगे ये जो मॉडल है ना तो ये एक सिंपल सा भाई लुक के साथ में एक स्क्रैम्बलर टाइप का बाइक है, जिसके देख ही सकते होंगे सामने का जो चोंच है तो वो काफी ज्यादा ऊपर है, जिसको फेंडर बोला जाता है। और इसके ही साथ साथ देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का जो सीट हाइट है तो वो भी काफी ज्यादा लंबा जो है ना तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। साथ में देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का जो कलर है ना तो ये भी ट्रिपल टोन कलर के अंदर अंदर दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है, क्योंकि इस वाले बाइक का पूरा जो बॉडी है ना तो वो ब्लैक है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा व्हाइट कलर का ये एक थोड़ा सा पार्ट। और इसके ही साथ साथ भाई इस वाले बाइक का ही जो टैंक है ना तो उसके अंदर आपको डुअल टोन कलर भी देखने को मिला है जो कि येलो एंड ग्रे के फिनिश में है। और इसके अलावा देख ही सकते होंगे BSA का रेड कलर का जो स्टिकर है तो वो है। बाकी इस वाले बाइक के अंदर जो मेन एक चीज है ना तो वो है भाई इंजन, जो कि रॉयल एनफील्ड वालों से काफी ज्यादा कमजोर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भाई ये जो बाइक का इंजन है ना तो ये एक 650cc वाला तो इंजन है, लेकिन ये सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन है जो कि भाई मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा ना तो वो है भाई 45 BHP वाला इंजन, जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है 55 Nm विद असिस्टेंस रिवर क्लच वाला सेटअप। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है जब ये लॉन्च होगा। और इसके अलावा कुछ बात ऐसा ही है कि ये जो इंजन है ना तो इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर VR650 तो वो भी एक सिंगल सिलेंडर नहीं भाई, तो वो एक 650cc वाला एक एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला इंजन है। हालांकि वो ऑयल कूल वाला है लेकिन वो ट्विन सिलेंडर वाला है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम पावर ना तो वो है 47 BHP। इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क है तो वो भी 55 Nm तक जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा विद 6 स्पीड का गियरबॉक्स, तो वो बदला गया। लेकिन भाई ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा LED लाइट्स का सेटअप भी, और इसके ही साथ देख ही सकते होंगे स्पोक व्हील्स के अंदर अंदर है। साथ में इसके अंदर सामने आपको देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक। बाकी डिस्क ब्रेक के साथ में आपको डुअल चैनल ABS इस वाले मॉडल में देखने को मिलेगा। और जैसे कि भाई इस वाले मॉडल का मिरर कंसोल देख ही सकते होंगे पूरे तरीके से डिजिटल वाला है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी भी। और इसके ही साथ साथ भाई जब ये रियल लाइफ में लॉन्च होगा ना तो उसके अंदर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो राइडिंग मोड्स है तो वो तक भी देखने को मिल सकता है। साथ में इस वाले बाइक का जो एक्सशोरूम प्राइस है ना तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये जो बाइक है ना तो ये इसी साल के ही एंड होने से पहले पहले जो है ना तो वो आपको देखने को मिल सकता है या फिर 2025 के ही शुरुआती महीनों में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।